वंदे मातरम डियर द सिक्स्थ पार्ट ऑफ यूनिट फर्स्ट ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट ऑफ स्टैंडर्ड पार्ट इज अबाउट द स्टोरी बैम्बू करी तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे एक स्टोरी देखेंगे बैम्बू करी की ओके नाउ ओके तो बच्चों पहले मुझे बताओ क्या आपने कभी बैम्बू से बनी हुई डिश खाई हुई है बैम्बू को क्या कहते हैं हिंदी में बांस बांस से बनी कोई डिश खाई है तो यहाँ पे एक पिक्चर स्टोरी है ओके उसमें अपने देखते हैं कि बांस के कौन से पार्ट को कौन से भाग को अपने खा सकते हैं और उसकी रसोई कर सकते हैं खाना बना सकते हैं उससे ओके

वो जब जाता है तो उसकी सास उसके लिए एक स्पेशल डिश बना बनाती है यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ये सेंथल है और ये उसकी सास है वो कुछ खाना बना रही है ना यहाँ पे तो वो स्पेशल डिश बनाती है उसके जमाई के लिए दिस करी इज डेलीशियस वॉट इज इट द मदर इन लॉ पॉइंटेड एट द बैम्बू डोर तो अब क्या हुआ कि वो खाना खाकर सेंथल ने पूछा कि ये करी तो बहुत स्वादिष्ट है ये क्या है तो सासू ने अपने बांस के दरवाजे की तरफ पॉइंट आउट किया हाथ करते हुए दिखाया नेक्स्ट मॉर्निंग जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू लिव ही रिमेम्बर्ड दैट देर वॉज नो बैम्बू इन हिज विलेज अगली सुबह जब वो अपने घर को जाने के लिए तैयार हो हो रहा था तभी उसको याद आया कि उसकी गांव में तो बाम बैंबू यानी बाँस तो है ही नहीं फिर क्या किया उसने सो ही रिमोट द बैम्बू डोर एंड कैरिंग इट विथ हिम लेफ्ट फॉर हिस होम इसलिए उसने उसके सास के घर का बैम्बू का दरवाजा बाँस का दरवाजा निकाला और फिर उसके साथ उसके घर ले गया ऑन रीचिंग हिज विलेज ही टोल्ड हिज वाइफ मे करी विथ दिस बैम्बू डोर फिर जब वो अपने गांव पहुंचा, तब उसने उसकी वाइफ को बताया कि लो ये बेंबू डोर पकड़ो बाँस का दरवाज़ा लो और इससे करी बनाओ तो फिर क्या हुआ यहाँ पे शी, ये कौन है संथल और ये उसकी वाइफ है सो so, शिवस शॉक्ड हाउ कैन आई मेक करी आउट ऑफ अ बैम्बू डोर उसने पूछा उसकी पत्नी ने वो अचंबे में पड़ गई कि मैं इस बांस के दरवाजे से कैसे करी बना सकती हूँ फिर संथल ने क्या किया कम आई विल हेल्प यू बाय चॉपिंग अप द बैम्बू ही सेड चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ इस बांस को काट कर हीज़ वाइफ बॉयल्ड इट एंड बॉयल्ड इट लेटर वैन हर हस्बेंड टेस्टेड इट ही सेड इट्स टू हार्ड टू इट यू डोंट नो हाउ टू कुक उसकी पत्नी ने उसको बहुत बॉयल किया बॉयल करती गई फिर जब उसके हस्बैंड ने उसको टेस्ट किया तो चाखा तो उसने कहा कि ये तो बहुत कड़क है खाने के लिए तुम्हें तो आता ही नहीं है कुक करना रसोई बनाना हिज वाइफ एडेड मोर वाटर एंड बॉयल्ड इट एंड बॉइल्ड इट इट्स स्टिल टू हार्ड आई कांट इट फिर उसकी पत्नी ने वापिस ज्यादा पानी डाला और बॉयल किया बहुत बॉयल किया वापिस सेंथल ने खाया फिर वापिस कहा कि ये तो अभी भी बहुत हार्ड है मैं खाने द इन लॉस केम टू तो विजिट द यंग कपल दैट इवनिंग तो उसी रात को शाम को इवनिंग में उसके इन लॉस यानी उसकी पत्नी के घर वाले उन दोनों को मिलने आए दे ऑल लाफ एट हिज फुलिशनेस द मदर इन लॉ सेड यू नो द करी वॉज मेड फ्रॉम बैम्बू शूट एंड नॉट फ्रॉम अ बैम्बू डोर वो सब हंसने लगे सेंथल की मूर्खता पे फुलिशनेस पे और उसकी सास ने बताया कि क्या तुम्हें पता नहीं था कि करी बैम्बू शूट से बनी है बैम्बू के दरवाजे से नहीं बैम्बू शूट यानी क्या होता है बाँस की शाखा है जो बहुत पतली होती है छोटी होती है और वो खाने में काम आती है वो इतना नरम नरम भी होती है कि अपने उसको कुक करके खा सकते हैं ओके तो सबको समझ में आए स्टोरी मजा आई ना वंदे मातरम